नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे ननंद भाभी की तुलसी विवाह की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक पति पत्नी अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। बड़ा बेटा था और उससे छोटी बेटी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, बच्चे बड़े हो रहे थे और एक दिन जो बच्चों का पिता था वह किसी काम से गया था और वहीं खड्डे में गिरकर उसकी मौत हो गई थी। अब बेचारी बच्चों की माँ अकेली रह गई। उसने जैसे तैसे अपने बच्चों को पाला, लेकिन वह भी ऐसी बीमार पड़ी और बीमार पड़ने से पहले उसने अपने बेटे से कहा, बेटा अपनी बहन का ख्याल रखना और इसका माँ बाप का इसे प्यार देना। भाई बहन में बहुत प्यार था और कुछ समय के बाद माँ का भी स्वर्गवास हो गया। अब दोनों भाई बहन रह गए। भाई भी बड़ा हो चुका था, शादी के योग्य था। वह अपने पिता की खेती बाड़ी का काम संभालता था और बहन घर पर रहकर घर का काम संभालती थी। भाई सोचता था कि पहले बहन का विवाह कर दूं, लेकिन बहन सोचती थी कि पहले भाई का विवाह हो जाएगा तभी वह अपना विवाह कराएगी, क्योंकि उसके घर को संभालने के लिए जो भाभी आ जाएगी। बहन बड़ी ही धार्मिक और पूजा पाठ करती थी। बहुत अच्छे संस्कार थे, क्योंकि उसकी माँ भी बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। बहन तुलसी जी की पूजा बहुत मन से किया करती थी। सुबह उठते ही अपने दैनिक कार्यों को निपटाती, नहाती धोती, तुलसी जी सींचती, दीपक लगाती और तुलसी जी की कहानी सुनती। कार्तिक स्नान किया करती तो तुलसी माता की बहुत ही मन से सेवा करती थी। दोनों बहन भाई बड़े खुश थे। भाई भी अपनी बहन को बड़ा प्रेम करता था। एक दिन बहन ने कहा, भैया अगर मेरी शादी हो जाएगी, आप बोलते हो पहले बहन की शादी करूंगा, तो आपका ख्याल कौन रखेगा? मैं तो ससुराल चली जाऊंगी, इसलिए भैया मेरी आपसे एक प्रार्थना है, पहले आप अपनी शादी कर लो ताकि भाभी घर में आ जाएगी, उसके बाद मेरा विवाह करना। भाई बहन की बात को मान गया और भाई का विवाह एक लड़की के साथ तय हो गया। अब भाई विवाह करके जो अपनी पत्नी को लेकर आ गया, भाई का विवाह हो गया था। बहन बड़ी खोजती कि मेरी भाभी घर में आ गई। बहन भाइयों का प्यार बहुत ज्यादा था, जो उसकी भाभी को नहीं भाता था। भाभी तो जब से घर में आई थी, उसे तो अपनी ननंद फूटी आंख नहीं सुहाती थी और ऊपर से वह जो तुलसी जी की पूजा किया करती थी। बहन भी अब विवाह योग्य तो हो गई थी, क्योंकि बहन छोटी थी, लेकिन भाई पहले छोटी बहन की शादी करना चाहता था, इसलिए बहन ने सोचा भाई की शादी होगी तो उसके बाद वह मेरी शादी कर देगा, तो घर में जो घर संभालने वाली रहेगी। अब बहन सोचती कि भाभी आ गई है भैया का ख्याल रखने, तो बहन जो अपना पूरे मन से तुलसी जी की पूजा किया करती, लेकिन उसकी भाभी को जो बिल्कुल भी बहन भाई का प्यार रास नहीं आ रहा था, ऊपर से तुलसी पूजन करना तो उसे बहुत बुरा लगता था। वो अब धीरे धीरे जो अपनी ननंद को ताने देने लगी, लेकिन उसकी ननंद अपने भाई को कुछ नहीं बताती थी। वो अपने भाई और भाभी में झगड़ा नहीं कराना चाहती थी। जब भी वो पूजा करती तो उसकी भाभी उसे बहुत ताने देती। घर का सारा काम ननंद से ही करवाती थी, लेकिन ये बात छुपी थोड़ी ही रहती है। धीरे धीरे भाई को भी पता लगने लगी। अब जब बहन ज्यादा ही उसकी भाभी उसे दुखी रखने लगी, ताने देती, तो बहन कुछ नहीं कहती। वो एक कान से सुनती, दूसरे कान से निकाल देती और अपना पूजा पाठ में ध्यान लगाती। और उसका भाई था, जो वह अपनी बहन से तो बहुत प्यार करता था, लेकिन बहन कभी भी शिकायत नहीं करती थी। तो भाई सोचता था शायद जो पड़ोसी बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, क्योंकि कोई भी किसी की खुशी खुश नहीं होता। इसलिए भाई भी अपना सुबह खेत पर काम करने जाता और शाम को लौटता था। इधर भाभी ननंद का जीना मुहाल रखती थी। बेचारी सारा काम करती, लेकिन दुख की एक भी शिकन उसके चेहरे पर नहीं होती थी। धीरे धीरे समय बीता, भाभी ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी भी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। भाई ने सोचा, मेरी शादी हो गई,
मेरा घर बस गया और वे बच्चा भी हो गया और मेरे घर जो मेरी शादी को भी कई साल बीत गए हैं। अब मुझे अपनी बहन का विवाह करना चाहिए। यही सोचकर जो अपनी बहन के लिए योग्य वर की तलाश में रहने लगा। उधर उसकी भाभी अपनी ननंद को ताने दिया करती, जब देखो जब तुलसी जी की सेवा में लगी रहती है। एक पौधा क्या लगा लिया है, पौधे में क्या भगवान होते हैं, देखती हूँ इसकी पूजा करने से तुझे क्या फल मिलेगा। जब तेरी बारात आएगी ना तो यही तुलसी उनके सामने फोड़कर रख दूंगी, खिला लो, दहेज में कुछ नहीं दूंगी। ननंद हंसकर टाल देती, लेकिन वो अपना नियम नहीं छोड़ती थी। भाई ने भी बहन के लिए एक योग्य वर की तलाश कर ली और रिश्ता तय कर दिया। विवाह मुहूर्त भी निकल आया। देव उठनी एकादशी को बारात आने वाली थी और बहन की शादी थी। बहन के समय से बारात आ गई। सारी रस्में हुई। जब बारात को खाने के लिए जो बिठाया गया और पत्तल परोसे गए तो भाभी ने अपने आदमियों को बुलाकर कहा कि जो तुलसी जी का गमला है वह फोड़कर इसकी मिट्टी जो इन बारातियों के सामने परोस दो, क्योंकि भाभी तो बहुत चालू थी। भाई को उसने भनक भी नहीं लगने दी थी। अब जब तुलसी जी की मिट्टी को बारातियों के सामने परोसा गया तो वो 56 प्रकार के भोग बन गए। ये देखकर भाभी भी बड़ी आश्चर्यचकित थी। लेकिन बारातियों ने पेट भरकर भोजन किया और इतनी तारीफ की कि ऐसा भोजन उन्हें कभी भी नसीब नहीं हुआ था, जैसा भोजन उन्होंने यहाँ पर खाया। अब तो बहू की बहुत तारीफ करने लगे कि कैसी अच्छी संस्कारी बहू हमारे घर में आएगी जो उसके भाई ने इतना अच्छा भोजन का प्रबंध किया है। उधर भाभी तो जलभू कर राख हो गई कि क्या सोचा था, क्या हो गया। अब भाभी सोचने लगी जो दहेज है उसमें कोई बर्तन या कोई भी कपड़े नहीं देगी। उसने जो उसका भाई दहेज का सामान लाया था वो सब एक बक्से में बंद कर दिया। भाई को तो वो भनक भी नहीं लगने दे रही थी। जो बहन के गहने थे वो सब ले लिए और अपने पास रख लिए। जो तुलसी जी की मंजरी थी वो बहन को गहनों के रूप में पहना दी और जो तुलसी जी का गमला उसने फोड़ा था उसके जो मिट्टी के कपड़े थे वही उठाकर उसने जो बर्तनों की जगह दहेज का सामान बना दिया कि यही ले जा, तेरे नसीब में यही है। तूने क्या किया है, जब देखो तुलसी जी में लगी रहती थी, अब यही तेरा दहेज है। लेकिन ये क्या, जो तुलसी जी की मंजरी थी वो तो बहुत सुंदर गहने बन गई। जो तुलसी जी का जनेऊ था उससे बहुत सुंदर कपड़े बन गए और जो तुलसी जी के गमले के टुकड़े थे उससे बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बन गए। अब बेचारी बहन विदा हो गई, ससुराल में आ गई। अब ससुराल में चारों तरफ उसके दहेज की जो बड़ाई होने लगी, सब कहने लगे कि देखो कितना दहेज लेकर आई है, कितने अच्छे अच्छे गहने हैं, कितने सुंदर सुंदर बर्तन और कपड़े हैं। बाराती भी 56 भोगों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। अब तो बहन का ससुराल में मान बढ़ गया, सब तारीफ करने लगे। लेकिन भाभी को तो काटो तो खून नहीं। वह तो सोचने लगी कि जो मैंने किया वह जो कि उसका विवाह बिगड़ जाए, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। तुलसी माता की कृपा से बहन को अच्छा ससुराल और अच्छा वर मिल गया। उसकी खूब वहाँ पर इज्जत होने लगी। लेकिन भाभी ने अब अपनी ननंद से सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसे कभी भी अपने मायके नहीं बुलाती थी। अब इधर भाभी की बेटी भी जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उधर ननंद अपना नियम पालन करती थी। ससुराल में भी तुलसी जी की पूजा करती थी। ससुराल में जो सासू थी वो भी उसे बहुत अच्छी मिली थी, बिल्कुल माँ के जैसी प्रेम करती थी। उसका तो जो नसीब भी सुधर गया था। इधर अब भाभी की बेटी बड़ी होने लगी तो भाभी अपनी बेटी को अपनी ननंद के जैसे करने के लिए बोलती थी। कहती थी कि तू भी अपनी बुआ की तरह तुलसी जी को सींचा करे। लेकिन बेटी थी कि माँ के गुण तो बेटी में ही आए थे। वो बड़ी नकचड़ी थी, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। माँ की तरह मोहल्ले पड़ोस में इधर उधर की लगाना ही उसका काम था। वो जब उसकी माँ सिखाती कि कर ले बेटी, तेरी बुआ को देखो कितना अच्छा घर वर मिला है,
वह नहीं करती थी तो वो कहने लगी कि अब बेटी विवाह के लायक हो गई तो उसके लिए भी एक रिश्ता ढूंढा और विवाह तय हो गया। तो अब भाभी जो सोचने लगी थी जैसे ननंद के ब्याह में किया वैसे ही बेटी के विवाह में करूंगी, क्या पता मेरी बेटी का भी जो चमत्कार हो जाए विवाह में, और वह यही सोचकर बैठी रही। उसने कोई विवाह की तैयारी नहीं की क्योंकि वह तो अपना दिमाग चला रही थी। अब समय से बेटी की बारात आ गई। बेटी की बारात आई तो उसने वही तुलसी का गमला फिर से मंगाया और बरातियों के सामने जब भोजन के लिए बैठे तो गमला फोड़कर उसकी मिट्टी बरातियों के सामने रख दी। लेकिन ये क्या, इस बार तो मिट्टी मिट्टी ही रही। उसके कोई 56 प्रकार के भोग नहीं बने क्योंकि उसने विवाह में अपनी ननंद को भी नहीं बुलाया था। और अब तो वो बड़ी जो हैरान रह गई। आप तो बराती अनाप शनाप कहने लगे इतनी बड़ी बेइज्जती तो हमारी आज तक नहीं हुई जैसी इधर हुई है। बराती गुस्सा होकर जाने लगे तो अब जो सोचा कि चलो मिट्टी है, खाना नहीं बनी, 56 भोग नहीं बनी तो कोई नहीं। उसने अपनी बेटी को तुलसी की मंजरी पहना दी और तुलसी के गमले के जो टुकड़े थे वो दहेज में रख दिए और तुलसी का जनेऊ रख दिया, लेकिन सब्जियों के त्यों बने रहे, कोई भी चीज नहीं बदली। इससे भाभी बड़ी हैरान थी। लड़की तो विदा होकर ससुराल चली गई, लेकिन वहाँ पर उसकी बड़ी बेइज्जती हुई। सब उसे ताना देते कि तेरे माता पिता ने हमारे साथ धोखा किया है, बरातियों को खाना नहीं दिया, उन्हें मिट्टी परोस दी, और दहेज में कुछ नहीं देना था तो मत देते, कम से कम हमारी बेइज्जती तो नहीं करते। जो फूटे टीकट जो मिट्टी के हैं और जो तुलसी जी की मंजरी उन्होंने दी है, बेचारी जो बेटी थी वह क्या करती। अब उसे भी अकल आ गई। वह सोचती कि मेरी बुआ कितनी अच्छी थी, सच्चे दिल से तुलसी जी की पूजा करती थी, तो तुलसी महारानी ने अपनी कृपा से उसके विवाह में चमत्कार किया था, लेकिन मैंने तो कभी भी कुछ ऐसा कर्म किया ही ना, ना तो कोई पूजा पाठ की, ना ही किसी की दिल से मदद की। मैं तो हमेशा इधर उधर की ही लगाती रही। अब बेटी को बड़ा अफसोस हुआ। उधर भाभी तो जो अपनी ननंद से और ज्यादा नफरत करने लगी थी कि जरूर उसने कोई जादू टोना किया है, जो उसके लिए तो इतना सब कुछ तुलसी माँ ने दिया और मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं दिया। अब वह मन ही मन अपनी ननंद से बहुत नफरत करने लगी थी, लेकिन उसका भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी भाभी अपने पति को भी अपनी बहन से मिलने नहीं जाने देती थी, न ही उसे विवाह में बुलाया था। भाई बेचारा तड़प कर रह जाता था। एक दिन वह कहने लगा अपनी पत्नी से कि देखो, मेरी बहन के विवाह को कई साल बीत गए हैं और मैं एक भी बार अपनी बहन से मिलने नहीं गया हूँ, लेकिन अब की बार मैं अपनी बहन से मिलने जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए कुछ जो भी तुम्हारे पास हो तो कुछ तोहफे वगैरह रख देना। भाभी तो जली कटी भुनी हुई बैठी थी। उसकी की अब भैया भाभी थे जो वो भी बहुत गरीब हो गए थे, लेकिन भाभी का घमंड अभी नहीं टूटा था। वो तो बस ननंद का बुरा ही सोचती रहती थी और बेटी के लिए तिकड़मबाजी लगाती रहती थी कि कैसे बेटी भी उसकी ननंद की तरह अपनी ससुराल में राज करे। अब उसने एक तरकीब सोची। सोचने लगी, भाई मिलने जाता है तो जाने देती हूँ, आखिर पता तो चले कि बहन कैसे रह रही है। और उसने घर में जो जुवार रखी हुई थी वही भरकर थैले में और अपने पति को दे दी और कह दी, मेरे पास कुछ नहीं है, यही अपनी बहन को दे देना। बेचारा पति अपनी जो उसका पति था वो जुवार लेकर चल दिया। अपनी पत्नी से कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे तो बहन से मिलने की लालसा थी, क्योंकि वो बहन से बहुत प्रेम करता था और जानता था कि उसकी पत्नी कितनी दुष्ट है। अगर वह ज्यादा आनाकानी करेगा तो घर में बेफिजूल का झगड़ा होगा, उसकी बहन को वो कोस आएगी और उसे बहुत दुख होगा। इसलिए वह चुपचाप ज्वार लेकर अपनी बहन के घर की तरफ चल दिया। बेचारा शर्म से गड़ा जा रहा था। पहली बार बहन के घर जा रहा हूँ और बहन के लिए सौगात में भी क्या लेकर जा रहा हूँ, ज्वार। ये सोचते सोचते वो बड़ा दुखी मन से जो उस ज्वार की पोटली को लेकर अपनी बहन की ससुराल पहुँच गया।
लेकिन उसे बड़ी शर्म आ रही थी कि कैसे वह ये पोटली अपनी बहन की सासू माँ को दे। सब कहने लगे कि देखो बहू का भाई आया है, बहुत दिनों के बाद आया है। तो बहन तो अपने भाई से लिपट गई और उसकी राजी खुशी पूछने लगी। भाई भी बहन से बड़ा खुश हुआ। बहन कहने लगी, भाई पोटली में क्या है? भाई बेचारा हिचकता रहा, कैसे दे वह बहन को कि उसमें ज्वार है। अगर वह लाया भी है तो उसके पास ज्वार लेकर आया है। उसकी भाभी ने जलन से ज्वार दिए, लेकिन बहन कहने लगी, भैया को बड़े आदर सत्कार से उसने बिठाया, भोजन कराया, बड़ा उसका आदर सम्मान बढ़ाया। ससुराल के सब लोग उसके आसपास गए और कहने लगे कि देखो बहू की सौगात आई है उसके मायके से, क्योंकि बहन को पता नहीं था कि उसकी भाभी उससे इतनी नफरत करती है। अब ससुराल में तो उसने अपने मायके की बड़ी आन बान शान बना रखी थी, क्योंकि ससुराल में जो दहेज आया था उसकी बड़ी तारीफ थी। बहू के गहने कपड़े लत्ते की बड़ी तारीफ हो रही थी कि देखो बहू कितना दहेज लेकर आई थी। इसलिए सास सोचने लगी, जरूर पोटली में भी कुछ ऐसा होगा जो इसका भाई अपनी बहन के लिए लेकर आया है, क्योंकि कुछ सास ये तकरीबन होता ही है। जब बहू के मायके से कुछ आता है तो ससुराल वाले बड़े उतावले होते हैं ये जानने के लिए कि बहू के मायके से क्या क्या आया है। बेचारा भाई हिचकते हुए बैठा हुआ था पोटली को दबाए हुए, तो बहन की सास ने कहा, ला बेटा देखूं तो सही क्या लेकर आया है। पोटली में पोटली जो बंधी हुई है, अब बेचारा क्या करता। हिचकते हुए उसने पोटली अपनी मौसी को दे दी। अब जो बहन की सास थी वो उस पोटली को अंदर ले गई। अंदर जाकर खोलती है तो क्या देखती है, अरे उसमें से तो हीरे मोती बंधे हुए हैं। सास तो ये देखकर हैरान रह गई कि इतने सारे हीरे मोती भाई बहन के लिए सौगात में लेकर आया है। उसने अपनी बहू को आवाज दी। भाई सोचने लगा कि बड़ी बेइज्जती होगी, अंदर ज्वार निकली होगी, इसीलिए बहन की सास बहन को बुला रही है। बहन बड़ी खुशी खुशी अंदर गई, बोली, मां जी कहिए तो। वो कहने लगी, अरे बहू देखना तेरा भाई सौगात में कितने हीरे मोती लेकर आया है। बहन ने देखा तो मारे खुशी के बड़ी प्रसन्न हुई और भाई से लिपट गई। कहने लगी, भैया इतना लाने की क्या जरूरत थी, पहले आप लोगों ने मुझे इतना दान दहेज, इतना अच्छा घर ढूंढ कर दिया है, मुझे तो यहाँ पर सब खुशियाँ मिलती हैं। भाई भी ये देखकर हैरान था। जो भीतर से इतना दुखी हो रहा था उसके मन को भी तसल्ली मिली। वो माता तुलसी के चमत्कार को नमन नमस्कार करने लगा। वो समझ गया उसकी बहन तुलसी जी की कितनी पूजा सेवा करती है। तुलसी माता उसकी बहन को कभी नीचा नहीं देखने देगी। सब यही तुलसी माता के चमत्कार के कारण हुआ है। वह तो नतमस्तक हो गया और दो चार दिन रहने के बाद भाई अपने गांव की तरफ चल दिया। बहन से मिल गए। दोनों बहन भाई बड़े खुश थे। जब बहन के घर से आया तो भाभी बड़ी खुश लग रही थी कि चलो अब तो बहन की बेइज्जती होगी कि उसके मायके से ससुराल आई थी। अब तो देवरानी जेठानी सासू माँ सब इसकी बहन को ताना मारेंगे। लेकिन बहू को क्या पता था कि उसकी वहाँ पर कितनी इज्जत बढ़ गई है। जब भाई आया तो भाई से उसकी पत्नी बैठ गई। ननंद का हाल चाल पूछने के लिए तो भाई ने कहा कि मेरी बहन तो बड़ी सुखी है, कोई कमी उसके घर में नहीं है, वो तो राज करती है। ये सुनकर भाभी फिर जल गई। अब ये कैसे हो गया। उसने बताया कि तूने जो ज्वार की मुझे पोटली बांध कर दी थी वह भी तुलसी माता के चमत्कार से हीरे मोती बन गई। मेरी बहन का तो बड़ा आदर सम्मान है। ये सुनकर तो भाभी को काटो तो खून नहीं। उधर भाभी की जो बेटी थी वो कुछ तो घमंडी थी, कुछ करती धरती नहीं थी। ऊपर से ससुराल वालों की इतनी बेइज्जती हुई थी इसलिए उसे कुछ पसंद भी नहीं करते थे। सास बहु देवरानी जेठानी में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। अब उसका पति भी उससे बहुत परेशान रहता था और उसने जो अब बहू की बेटी को जो कि बहुत ही घमंडी थी
न तो उसे शर्म थी कि चलो तेरे माँ बाप ने थोड़ा बेइज्जती की है तो थोड़ा बर्दाश्त कर ले। लेकिन वह तो लड़ने पर उतारू रहती थी। उसके पति ने और उसकी सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। कह दिया, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो दिल अंदर लेकर आई है। जब से हमारे घर में आई है, जो हमारे घर की सुख शांति थी, हमारे घर में लक्ष्मी थी, वो भी हमसे रूठ गई। बहू को धक्के मारकर निकाल दिया। बेटी रोती धोती अपने मायके आई और अपनी माँ को सारी बात बताई। तब बेटी का जो पिता था वो कहने लगा कि तुझे और तेरी माँ को तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है। तुम्हें मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मेरी बहन से कुछ सीखना चाहिए था। वो जो पूजा पाठ करती थी तो माँ बेटी उसमें विघ्न डालती थी, उसके साथ ऐसा व्यवहार करती थी, उससे नौकरों जैसे काम कराती थी। आज मेरी बहन पर तो भगवान की कृपा है, माता लक्ष्मी की कृपा है, तुलसी माता की कृपा से उसके घर में तो लक्ष्मी बरसती है। अब माँ बेटी को अपनी करनी की गलती का एहसास हुआ। अब उन्हें पछतावा होने लगा। अब वह कहने लगी कि जो भाभी थी कि जैसे भी हो मुझे अपनी ननंद से मिलना है, मैं उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगूंगी, मुझे मेरी ननंद के पास ले चलो। अब जो बहन का भाई था वह अपनी पत्नी और बेटी को लेकर अपनी बहन की ससुराल पहुंचा तो बहन ये देखकर बड़ी खुश हुई। उसने अपनी भाभी, भतीजी और भाई की बड़ी आवभगत की। भाभी तो ये देखकर उसका तो शर्म से सिर झुक गया कि जिसके साथ तूने इतना बुरा किया वो नंद तेरी इतनी इज्जत और इतना आदर सम्मान कर रही है। तब भाभी ने उससे तुलसी पूजा के नियम विधि पूछी तो उसने अपनी भाभी को तुलसी पूजा की सेवा करने की सारी बातें बताई। अब तो भाभी और उसकी बेटी भी अपनी ननंद की तरह तुलसी पूजन किया करती, तुलसी जी सींचती, कार्तिक के माह में कार्तिक स्नान करती और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता और इधर जो बेटी का ससुराल था उनकी भी माता रानी की कृपा से बुद्धि बदली। पति को भी अपनी पत्नी की याद आई तो वो भी अब अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल आ गया। अब जो भाभी थी और भाई थे उनकी गृह स्थिति भी बदल गई थी। माता रानी की कृपा से उनके घर में भी अब धन अन्न जो के भंडार भरने लगे थे। अब जो भाभी ने अपनी बेटी को खूब दान दहेज खूब अच्छे तोहफे देकर, क्योंकि दहेज में तो उसने कुछ दिया ही नहीं था, बारात की बड़ी बेइज्जती की थी। अब उसने अपनी बेटी की ससुराल वालों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और सुंदर सुंदर गहने बनवाए, बेटी को बड़ी खुशी खुशी विदा किया, काफी जो तोहफे उसके साथ रखे। अब पति भी खुश था और बेटी भी आई तो सास ने भी उसका अच्छे से आदर सत्कार किया और वह अपनी ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी, तुलसी जी की महिमा का बखान करने लगी, तुलसी जी की पूजा वहाँ पर करती, अपनी सास नंदों को भी सिखाती कि तुलसी की पूजा करने से क्या क्या फायदे और क्या क्या चमत्कार होते हैं, क्योंकि चमत्कार उसने अपनी बुआ के यहाँ देखा था और अपने लिए भी उसने देखा था कि उसकी बिगड़ी हुई जो जिंदगी थी वो कैसे पटरी पर आ गई, कैसे उसका उजड़ा हुआ घर बस गया और जो भाभी थी उसका भी जो घर बस गया उसका भी, जो पति पत्नी सुखी रहने लगे और उनके फिर एक बेटे का जन्म हुआ। अब तुलसी माता की कृपा से उनका वंश चलाने वाला भी हो गया और भाभी अब अपनी ननंद को हर तीज त्योहार पर बुलाती, उसका बहुत आदर सत्कार करती। जब ही तो कहते हैं कि बहन बेटी अगर कार्तिक और सावन के महीने में आती है तो अपने भाई के घर का देल्द दूर करती है। अपनी बहन और बेटियों को कभी भी घर से खाना खिलाएं बिना विदा नहीं करना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भाई के घर में अन्न धन के भंडार लगते हैं। ये सब भाभी की समझ में आ गया था। अब तो वो ननंद का बहुत आदर सत्कार करती थी, उसका हर तीज त्योहार उसकी ससुराल भेजती थी और माता रानी की कृपा से उसके घर में जो नौनी दोबारा सिद्ध हो गई है, तुलसी माता जैसे ननंद पर बरसी वैसे सब पर बरसना जो ये कहानी कह रहे हैं, जो ये कहानी सुन रहे हैं, उनकी सबकी मनोकामना पूरी करना।
बोलो तुलसी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी नंद भाभी और तुलसी माता की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।